हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एटोमॉक्सिन टेबलेट के बारे में। यह टेबलेट मात्र एक ही बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। नॉर्मली मेडिसिन आपको एक से ज़्यादा बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन यह टेबलेट मात्र एक ही बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एटोमॉक्सिन टेबलेट की बात करते हैं तो यह सेलेक्टिव नॉरफेरिन रिओप्टेक इनहिबिटर क्लास की दवा है और यह दिमाग को शांत करने के लिए दी जाती है। इस टेबलेट को खरीदने के लिए आपको ब्रांड नेम की आवश्यकता होती है। इसके ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे एक्सेप्टा, एटोमॉक्सेट, एट्रनट्रोल, हाइपरकॉन। यह कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। आउट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर यह आपको 80 mg, 100 mg के स्ट्रेंथ में आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं यूज़ की। इस टेबलेट के यूज़ की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह सेलेक्टिव नॉरफिन रिओप्टेक इनहिबिटर क्लास की दवा है और यह दिमाग को शांत करने के लिए दी जाती है। तो इस टेबलेट का यूज़ मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसे शॉर्ट में ADHD भी कहते हैं, इस प्रकार की बीमारी को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। यह बीमारी बच्चों से लेकर एडल्ट तक के सभी लोगों में देखी गई है। अगर यह बीमारी बच्चों में होती है तो शुरुआती तौर में पता नहीं चलता है, क्योंकि उस समय वह बच्चा एक्टिव होता है, लेकिन इस बीमारी की सीवियरिटी बढ़ जाती है तो बच्चों में चंचलता और हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है। इस कंडीशन में बच्चा इधर उधर घूमता रहता है, एक काम में फोकस नहीं कर पाता है। अगर कोई काम करता है तो वह बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करता है। अगर कोई व्यक्ति बात को समझाता है तो बच्चा सब बात को समझता भी नहीं है, और ऐसे बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। यह बीमारी लड़की के मुकाबले लड़कों में ज़्यादा होती है। यह बीमारी ब्रेन में केमिकल इंबैलेंस की वजह से होती है या फिर जेनेटिक भी हो सकती है। इस प्रकार की बीमारी को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। वैसे इस टेबलेट का यूज़ इतना ही है, लेकिन डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और भी बीमारियों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इसे व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है। अगर एडल्ट व्यक्ति की बात करते हैं तो इसे 40 mg की टेबलेट पर डे के हिसाब से दी जाती है। अगर चिल्ड्रन डोज की बात करते हैं तो उसे बॉडी वेट के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है, जैसे 0.5 kg से लेकर 1.2 kg पर किलो पर डे के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है। और इस टेबलेट को लंबे समय तक यूज़ किया जाता है, यानी मिनिमम 4 महीने और मैक्सिमम 2 साल तक इस टेबलेट का यूज़ किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, डायरिया, डिजीनेस, गैस्ट्रिक इरीटेशंस, स्किन इरीटेशंस, स्वेलिंग, हाई BP। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो आप इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी प्रकार की कोई एलर्जी या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का यूज़ बिल्कुल ना करें। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट, लीवर, ट्यूमर, ग्लूकोमा, इस प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो आप इस टेबलेट का यूज़ बिल्कुल ना करें। किसी व्यक्ति को स्किन रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज़ ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज़ करें। उम्मीद करता हूं कि आपको एटोमॉक्सिन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।